Hello students, welcome to Diya Educates, Smart Mind, Smart Solutions. So, we are goal guiders. Basically, we create future. आपको पता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए और पढ़ाई तभी अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो। तो हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचा पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हो वी हेल्प यू इन बिल्डिंग योर फ्यूचर। सो आई एम मानसी तिवारी योर फिजिक्स मेंटोर। तो आज का जो सेशन है वो हमारा फिजिक्स के ऊपर है। सो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स में ऐसा क्या है, गोल गाइडर्स में बेसिकली ऐसा क्या है कि अब हम आपका फ्यूचर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो जितने भी एजुकेटर्स हैं दिया एजुकेट्स वो बहुत क्वालिफाइड है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करें। इसलिए हम डेली 2 सेशन रखते हैं पर एजुकेटर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी कोशिश रहती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे फोकस करें रेदर देन कि उसको रटाफिकेशन करो, राइट? तो हम क्या करते हैं, चैप्टर्स को सेग्रीगेट करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज और उस पे बेस्ड हम बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, आपको क्विजेस कराते हैं, क्वेश्चंस एयर डिस्कस करते हैं, लाइव टेस्ट देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको पता है जब हम पेपर करने जाते हैं तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर के फॉर्मेट से फैमिलियर होते हैं। हम पूरे के पूरे टेस्ट सेशन कंडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ 2020-2021। आर टॉप रैंकर दिया कश्यप विच इज द मेन लीड ऑफ द कंपनी, हाईली क्वालिफाइड एंड उनके पास 18 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस सक्सेस सीडी की फैकल्टी रह चुके हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी है, टीचिंग भारत की एक्स फैकल्टी रह चुकी हैं, एग्जाम फेयर की एक्स कंटेंट क्रिएटर हैं 11th और 12th क्लास की, आईवीएस की एक्स फैकल्टी रह चुके हैं। बेसिकली द प्रोफाइल ऑफ दिया कश्यप इज वेरी गुड। हमने ये किया है कि साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज दे पाए। सो बेसिकली हमारी टीम में है अदर देन मी काजल मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम। सो हमारी कोशिश है कि आप अपने गोल अचीव कर पाए। सो करना बस ये है कि टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने एंड फिल द अबव लिंक गिवन देयर एंड देन यू विल जॉइन डायरेक्टली टू आवर ग्रुप दैट इज दिया जेम। एंड ये ग्रुप हमने बेसिकली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है। दिया जेम का मतलब है बेसिकली यू आर प्रेशियस लाइक जेम टू अस। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 9 साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पार्ट 2। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन सेशन। हमारी जो हमने थ्योरी सेशन पढ़ा था पार्ट 2, जो हमने ग्रेविटेशन का पार्ट 2 की थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने जो टॉपिक कवर्स किए थे दोज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फीलिंग फॉलिंग बॉडीज, और हमने अर्थ की ग्रेविटेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मून से कंपेयर किया था कि वो क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़े थे उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सेशंस करेंगे, जहां पे हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं। यहाँ हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जैसे कि कुछ अजर्शन रीजनिंग, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज एंड कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड सम न्यूमेरिकल्स। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है देन यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको जो भी, अगर कोई आपको कुछ और भी माइंड में कोई क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, या आप कोई और क्वेश्चन कहीं और से सॉल्व कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको थ्योरी के वे से आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसे कैसे सॉल्व करना है, देन आप उसे कमेंट सेक्शन में करिए। हम उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जो आप लोग हमसे पूछेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स कि हम कौन से टॉपिक की क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। सो आज चलिए देखते हैं कि हम पार्ट 2 में कौन से क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। सो ये है हमारे टॉपिक जिनसे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड थर्ड इज वेट एंड मास, एंड द लास्ट वन इज प्रूफ वेट मास इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ WE, दैट इज वेट ऑफ अर्थ, की जो आपका मून का वेट है इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ है। तो ये टॉपिक्स हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस थियरी क्लास में पार्ट 2 के कवर किए थे, आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी एट अ सर्टन प्लेस इज 30 न्यूटन्स, कि आपकी बॉडी का वेट एक सर्टन प्लेस पे 30 न्यूटन्स है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पॉइंट पे जो एक्ट कर रही है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमें आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा 9.8 एक्ट करती है, बट
हम उसे एक फर्दर कैलकुलेशन या हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 ले लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लग रही है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो हमें फाइंड आउट करना है मास और वेट कि उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा एक्सेलरेशन वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, कि जहां पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगी वहां पे आपका मास और वेट क्या होगा उस प्लेस पे जहां पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाती है। सो स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है, हम वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पढ़ा था कि आपका वेट जो है वो इक्वल्स टू एम जी होता है, दैट मीन्स जो जी है आपका दैट इज वो यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर गिवन है और जो आपका मास है वही आपको फाइंड आउट करना है कि वो क्या होगा और वेट क्या होगा। सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपका यहाँ पे क्या गिवन है, आपका एक सर्टन प्लेस है जहां पे आपका एमजी एक्टर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे, वहां का आपका वेट क्या आ रहा है 30 न्यूटन। दैट मीन स्टूडेंट्स अगर आप मास की बात करें सो आपका मास क्या आएगा, मास इक्वल्स टू दैट इज इफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी है सो मास क्या आएगा, मास इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी। यहाँ पे वेट क्या है 30 एंड जो आपका जी है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, तो यहाँ से आपका मास क्या आ गया 3 kgs। एज यू ऑलरेडी नो स्टूडेंट्स की मास कभी भी चेंज नहीं होता, सो किसी भी प्लेस पे चल जाइए मास विल नेवर बी जीरो, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कहीं पर जीरो भी है किसी प्लेस पर सो मास वहां चेंज नहीं करेगा, मतलब आपका जो मास है वो 3 kg ही रहेगा, बट आपका वेट चेंज करता है। सो अगर हम वेट की बात करें तो वो क्या होता है इक्वल्स टू mg, यहाँ पे m आपका 3 kg है बट आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g जो है वो आपका जीरो हो रहा है, दैट मींस आपका वेट क्या आ जाएगा 0 न्यूटन। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो ये कहता है कि आपका मास 3 kg रहेगा आपका वेट 0 न्यूटन, दैट इज आर ए पार्ट। सो ए पार्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन कि आपका मास 3 kg रहेगा और आपका वेट 0 न्यूटन हो जाएगा। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसे आपने वर्टिकली अपवर्ड की डायरेक्शन में थ्रो किया है, मीन्स आपने उसे ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो किया है, जो राइज कर रहे टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, आपने इसे ऊपर की डायरेक्शन में दैट इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है जो की एक हाइट तक राइज किया है, ऊपर तक गया है, मीन्स वो हाइट जो आपको गिवन है वो है आपको 10 मीटर्स। सो आपको बताना है कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में भेजा है, और आपका जो जी है वो आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 9.8। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपने उसको इस वेलोसिटी से भेजा दैट मींस कि आपको यही निकालना है आपका यू क्या है, वो क्वेश्चन मार्क है, ऊपर जाके वो बॉल नीचे वापस आएगी तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर हाइट पे जाकर उसकी जो वी होगा वो जीरो हो चुका होगा। सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको हाइट गिवन है स्टूडेंट्स दैट इज 10 मीटर्स और आपको आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बेसिकली आपको यू फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स कौन सी इक्वेशन थी आपकी जो आपको कहती थी कि आप इन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, डेट इज वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। सो ये आपकी स्टूडेंट्स आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट की थी जब आपने a को आपने g पुट कर दिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और s डिस्टेंस को आपने h हाइट लिख दिया था। तो यहाँ पे आपका जो v है वो क्या है 0, आपका u क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है, आपका ये आ जाएगा 2 × 9.8 × 10। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका देखिए क्या आएगा, ये आपका 0 हो गया, ये आपका आ गया यू स्क्वेयर प्लस 9.8 × 2 is 19.6 and multiply by 10 is equals to u square is equals to that is −196। So students ये आपका आ गया u square, so ये आपका क्या आ गया that is, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज जो हमने ध्यान नहीं दी स्टूडेंट्स दैट इज कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स अब यहाँ आकर तो फंस गए, अब ये तो आपका −196 आ गया, अब आप यू स्क्वेयर यू कैसे निकालेंगे, तो माइनस आ गया ये तो हमें रूट पता ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये है आपका गलत सॉल्यूशन, ये मैंने इसीलिए किया ताकि आप ये गलती दोबारा ना करें कि जी को आप 9.8 ले लें। स्टूडेंट्स मैंने आपको थ्योरी में ये चीज समझाई थी कि जब भी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है टुवर्ड्स द अर्थ, तो जब वो टुवर्ड्स द अर्थ एक्ट करती है तब आपका जो जी आता है आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, पर जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मीन आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, पर आपने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया है टुवर्ड्स द ग्रेविटी के
ऑपोजिट आपका मोशन है, सो दैट मीन्स कि आपका वहां पे जो आपका जी है वो आपका -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. सो आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, जी की वैल्यू आप यहाँ पे माइनस में लेंगे. सो ये आपका क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर -2gh, या फिर आप यहाँ पॉजिटिव लेके जी को -9.8 लिख सकते हैं, या फिर आप माइनस जी ही ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे जी आपका नेगेटिव आएगा. तो ये क्या जाएगा, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी आपका 9.8 है मल्टीप्लाई बाय 10. तो ये क्या आ गया आपका, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 196, क्योंकि ये माइनस में आ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 196. तो यहां से आपका यू क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड. सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका यू क्या आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स आपने ऑब्जेक्ट को 14 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड की डायरेक्शन में थ्रो किया था जब उसने हाइट 10 मीटर अटेन करी है और आपकी वेलोसिटी वहां पे जाके जीरो हुई है, देन वो वापस नीचे आया होगा. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of acceleration due to the gravity of the earth. आपके acceleration due to gravity की value क्या होती है, equator और poles पे same रहती है, या फिर आपकी equator पे कम होती है, या poles पे कम होती है, या आपकी pole to equator increase करती है. So students आपने क्या पढ़ा था कि आपका जो that is increase, ये increase pole to equator, तो आपने पढ़ा था याद हो कि आपका radius pole to equator change होता है क्योंकि earth is not a perfect स्क्वेयर. सो दैट्स व्हाई पोल से इक्वेटर की तरफ आपका रेडियस इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जाती है. सो दैट मींस कि आपका इंक्रीज तो नहीं होता, ऑब्वियसली बात है पोल टू इक्वेटर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज नहीं होता क्योंकि फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. सो बेसिकली यहाँ पर इक्वेटर पे लीस्ट भी नहीं हो सकता, सो सेम तो है ही नहीं. सो दैट मीन्स कि आपका ये सही ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन, कि पोल्स पर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ बिग स्टोन एंड स्मॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस एट द सेम टाइम, विच वन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट. आपने एक बड़ा पत्थर लिया है, दैट मीन्स एक बड़ा स्टोन लिया है, एक उसके कंपैरिजन में छोटा स्टोन लिया है, और आपने दोनों को ही घर की छत से नीचे की तरफ फेंका है एट द सेम टाइम, दोनों को ड्रॉप किया, तो आपको बताना है कौन सा जल्दी नीचे ग्राउंड पर पहुंच जाएगा. सो द ए इज बिग स्टोन, द बी इज स्मॉल स्टोन, सी इज दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, एंड द डी इज नॉट एबल टू डिटरमाइन विद द गिवन डाटा, कि आप इसे नहीं निकाल सकते आपके गिवन डाटा से, आपको और डाटा चाहिए. सो स्टूडेंट्स हम इसका आंसर देखते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि हमें एक चीज हमें पता है कि जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका मास पे डिपेंड करती है, पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि वो डिपेंड नहीं करती मासेस पे. आप उसे सेम टाइम पे फेंकेंगे तो वो सेम टाइम पे नीचे आएगी, उनकी एक्सेलरेशन में फर्क हो जाएगा, उनकी ग्रेविटेशन वैल्यू चेंज होगी, बट वो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगी. मास पे या किसी भी रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फर्क नहीं करती है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट्स यहाँ पर वो दोनों ही सेम टाइम पर नीचे आएंगे. सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो दोनों ही सेम टाइम पर नीचे आएंगे. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी. सो आपको बतानी है आपकी जी की वैल्यू, फर्स्ट इंक्रीज एज यू गो अबव द अर्थ सर्फेस, जैसे जैसे हम अर्थ के सर्फेस पे ऊपर जाते हैं, अबव जाते हैं अर्थ के सर्फेस से, वो इंक्रीज करती है. सेकेंड इज डिक्रीज करती है एज वी गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जब हम जाते हैं तो वो डिक्रीज करती है. थर्ड इज वो कॉन्स्टेंट रहती है. फोर्थ इज मोर एट इक्वाटर एंड लेस एट पोल्स, की वो इक्वाटर पे ज्यादा होती है और पोल्स पर कम होती है. सो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि जैसे आप टूवर्ड्स द सेंटर जाएंगे आपकी जो डिक्रीज करेगी मीन्स आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करेगी. सो द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज कि आप जैसे जैसे अर्थ के सेंटर की टूवर्ड्स जाएंगे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज जी जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ जी विल बी. जैसे जैसे आप जब बॉल को अपवर डायरेक्शन में थ्रो करेंगे सो आपकी वैल्यू जो जी की है वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या नेग्लिजिबल होगी. स्टूडेंट्स एज वी नो कि जब आप बॉल को अपवर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं सो आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है. हमने पहले ही अभी एक न्यूमेरिकल पढ़ा है जहां मैंने आपको समझाया था कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है. तो जब भी आप अपवर डायरेक्शन में थ्रो करेंगे उसे तो आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और आपका जो बॉल का मोशन है वो ऑपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो जी है वो आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे. दैट मीन्स जी जो है वो आपका नेगेटिव हो जाता है, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
So the correct option is the third one. That is the third option is the correct option. So now move on to the next question. That is the gravitational force causes. Gravitational force क्या करता है? Tides cause करता है, motion of moon, none of them or both A and B. So दोनों ही सही है या फिर इनमें से tides है first, second और दोनों ही सही है या फिर कोई भी सही नहीं है. So students, the option correct option is fourth option, that is both A and B, क्योंकि tides भी gravitational forces की वजह से होती है and motion जो moon का है earth के around वो भी gravitational force की वजह से ही है. So आपका जो correct option है that is the fourth option. So now move on to the next question. The mass of the body on moon is 40 kg. What is the weight on the earth? So student, as we know कि mass आपका कभी भी change नहीं होता. So यहाँ जो आपको mass given है that is equals to 40 kgs. So, ये जो मास है ये सेम रहेगा. सो जब आप वेट निकालेंगे अर्थ पे विच इज इक्वल टू एम जी होता है. सो मास आपका 40 ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 9.8. सो 9.8 आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जो अर्थ पे एक्ट करती है. सो 40 मल्टीप्लाई बाय 9.8 आपका स्टूडेंट्स आपको देखिए आपका जो वेट है आपको पता है न्यूटन्स में आता है. सो ऑब्वियसली फोर्थ और फर्स्ट पार्ट तो आपके नहीं होंगे. ये तो आपको ऑब्वियसली करेक्ट है. देखना आपका ये आंसर होगा कि ये तो इट जस्ट एज कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे. सो आप कैलकुलेट करिए 9.8 मल्टीप्लाई बाय 40. सो फर्स्ट या फोर्थ से मल्टीप्लाई कीजिए. इट इज 8 4 32. सो इट्स 3 32. 9 4 36. So it is 36 plus 3 is 39. So it is 392.2. So जब उसे 0 multiply कर देंगे, so it is 392 newton. So the second one is the correct option. So third option is the correct. That is second option is the correct one. So now move on to the next question. Name the value of G and its unit. आपको G की value बतानी है और उसके यूनिट्स बताने हैं. सो स्टूडेंट्स, जी की जो वैल्यू है आपको पता है जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये रहे इसके यूनिट्स. ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये आपके यूनिट होते हैं एक्सेलरेशन के भी. और जी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से तो है तो बेसिकली वो एक्सेलरेशन ही, बट ग्रेविटी की वजह से वैल्यू उसकी 9.8 होती है. यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और इट इज मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वेयर. So now move on to the next question. That is, name the relation between capital G and small g. So students, आपको capital G और small g के बीच में basically relation बनाना है. So students, as we know, force equals to mg होता है. That is, हमें पता है ma होता है, but यहाँ पे a हमारा acceleration due to gravity, हमारा acceleration होता है. यहाँ पे हम g लेंगे. That is जी. सो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. और आपको पता है कि फोर्स हमारी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल जी दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो जब हम इन दोनों इक्वेशन से यहां से हमें क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स, हम इन्हें इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम स्मॉल एम दैट इज मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो यहाँ से आपका एम एम कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से आपका, सो स्टूडेंट्स यहाँ से एम एम कैंसिल होने पे आपको जी की वैल्यू क्या मिलती है? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय द कैपिटल एम एंड डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं दैट इज कि ये आपका जी है जो अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे कैपिटल एम आपका मास ऑफ अर्थ है और जो स्मॉल एम है वो आपके ऑब्जेक्ट का मास है. एज कम्पेयर टू दिस जो आपका मास का ऑब्जेक्ट है वो सेम रहेगा. सो वो आपका कैंसिल हो गया. सो बेसिकली जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? वो आपका कैपिटल जी पे डिपेंड कर रहा है. एम द मास ऑफ अर्थ एंड डी स्क्वेयर जो है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट और अर्थ का रेशियो. बट एज कम्पेयर टू, खुद सोचिए, ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस और कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ इतनी बड़ी है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस आप नेग्लिजिबल मान सकते हो. तो बेसिकली ये रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाता है. तो दैट मींस आप इसे कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज हमारे अर्थ के रेडियस के. सो बेसिकली जो आपका रिलेशन है वो क्या आता है? दैट इज आपका जो जी है वो आपका इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है. सो ये रिलेशन आपका कैपिटल जी एंड स्मॉल जी के बीच में. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज वेटलेसनेस एक्सपीरियंस वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ स्पेसशिप इज द रिजल्ट ऑफ जीरो ग्रेविटी. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि जो वेटलेसनेस आपको फील होती है जब आप अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक स्पेसशिप में,
वो आपकी जीरो ग्रेविटी की वजह से होती है, जब आपको अपना वेट फील ही नहीं होता क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो है वो जीरो हो जाती है। सो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स स्टार्ट होते हैं। सो आपको बताना है ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। सो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इज ट्रू, बिकॉज हमें पता है जो वेट होता है वो इक्वल्स टू एमजी होता है, और जब आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है दैट मीन्स आपका वेट अपने आप ही जीरो न्यूटन हो जाता है, दैट मीन्स आपका वेट वहां आपको फील नहीं होगा। आपका मास तो रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होता, बट आपको आपका वेट फील नहीं होगा क्योंकि वहां पे एमजी एक्ट ही नहीं कर रहा, वहां पे ग्रेविटी जीरो है। सो द यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स हाफ एट डेप्थ ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी बिकम्स हाफ एट द डेप्थ ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, कि जब आप रेडियस के अर्थ पे हाफ पे जाएंगे दैट मीन्स ये आपकी अर्थ है। आपका रेडियस अगर आर है तो जब आप आर बाय टू पे जाएंगे सो आपका इसका कहना है कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हाफ हो जाती है। सो आपको ताना है स्टूडेंट्स कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इट इज ट्रू कि जैसे जैसे आप अर्थ के पास जाते जाएंगे, आप उसके क्लोज जाते जाएंगे, आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी कम होता जाता है, वो उतना ही ज्यादा करता है जितना ज्यादा आपका डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स बेसिकली इट इज ट्रू कि जब आप रेडियस को हाफ करेंगे सो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उस डेप्थ पे हाफ हो जाएगा। सो द गिवन स्टेटमेंट इज True. Now move on to the next question. The more mass an object has, the faster it will fall. जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ये ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्टर नीचे की तरफ गिरेगा। सो तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। चलो आपको टाइम देते हैं स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। काउंट ऑन फाइव, 1, 2, 3, 4 and 5। सो स्टूडेंट्स बताइए, अब ये बताइए इसका आंसर क्या है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर, बट स्टूडेंट्स एज हम इसका देखते हैं आंसर, आपका जो आंसर है वो जो मैं आपको बता रही हूँ दैट इज द आंसर इज फॉल्स। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वो नीचे आएगी। स्टूडेंट एज वी नो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन से पढ़ा था कि जब हमने हैवियर मास और लाइटर मास को नीचे गिरा था सो वो दोनों सेम टाइम पर नीचे आए थे, दैट मीन्स कि आपका जो फॉल होना है या कितनी तेजी से आप नीचे आ रहे हो या किस टाइम पर आप पहुंचोगे वो आपका मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो जब वो मास पर डिपेंड ही नहीं करता तो फास्टर और स्लोअर का तो बात ही नहीं आती, तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now move on to the next question. So the question is the weight of a body on the surface of the moon is 1/6 of that on the surface of Earth. That means आपको जो weight है surface of the moon पे वो equal to 1/6 of the weight on the Earth surface है। ये आपको given है और आपको बोला गया कि इसका reason ये है क्योंकि आपकी acceleration due to gravity जो moon पे है वो 6 times है acceleration due to gravity on Earth. तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमने ये वाली चीज बाद में प्रूफ की थी हमारी प्रीवियस वीडियो थ्योरी क्लास में, हमने बाद में प्रूफ की थी। और ये प्रूफ किससे की थी, हमने की एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी से ही थी, बट हमने ये स्टेटमेंट नहीं ली थी, हमने इसके ऑपोजिट ली थी। यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आपका वेट ऑफ द बॉडी सर्फेस ऑफ मून में वो 1/6 ऑफ सर्फेस ऑफ अर्थ होगा, बट ये स्टेटमेंट जो स्टूडेंट्स आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है पर जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट दी हुई है वो गलत है, वो 1/6 होती है। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। सो वो इसके इक्वल होती है ना कि वो 6 times होती है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मून पर कम है, 6 times नहीं है, वो 1/6 time है acceleration due to gravity on earth. So ये जो आपको statement दी है ये क्या है, ये false है, ये true नहीं है। So now move on to the next question. That is the moon has a greater gravitational pull than the earth. जो moon का gravitational pull है वो ज्यादा है अर्थ से। सो स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बिकॉज जो मून है उसका मास कम है सो उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी वीकर है, क्योंकि एज आपने देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उतना ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा। सो यहाँ पर जो एक्चुअली बात है वो मून का स्मॉलर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एज कम्पेयर टू द अर्थ। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is assertion reasoning. So let's start with assertion reasoning. So the first question is there is no effect of rotation of earth on acceleration due to gravity at poles. So aapka jo aapka koi bhi effect nahi hota, means jo poles pe aapke acceleration due to gravity act karti hai us par aapke earth ki rotation ka koi effect nahi hai, means hum jo kehte hain ki acceleration due to gravity jo poles pe hai wo kitni hai, so wo jo acceleration due to gravity poles pe hai earth ki rotation ka us pe koi bhi effect nahi hai. Aur usko reason jo hame diya hua hai wo ye ki jo earth ki rotation hai wo about
पोलर एक्सिस है, दिस वजह से वहां पे कोई इफेक्ट नहीं है. सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी जो एजर्शन दी हुई है कि आपके पोल्स पर रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एसोसिएशन टू ग्रेविटी पे, ये ट्रू है. और ये इसलिए क्योंकि वो पोलर एक्सिस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है. सो ये भी आपका ट्रू है. और यहाँ पे जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस एजर्शन की. सो इट इज ट्रू बिकॉज एज द अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ टेक प्लेस अबाउट पोलर एक्सिस की, जब वो पोलर एक्सिस के अराउंड पे इस डायरेक्शन में से रोटेट करती है गोल गोल, सो देयरफॉर बॉडी प्लेस कर दी जाती है अगर पोल्स पे, तो उसे कुछ भी फील नहीं होगा, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील नहीं होगी. और उसका जो वेट है या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अनइफेक्टेड रहेगा, उसे कुछ भी फील नहीं होगा. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एज यहाँ पे जो हमें assertion दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो ये है कि if a pendulum is suspended in a lift, कि अगर आप एक पेंडुलम को एक लिफ्ट के अंदर सस्पेंड कर देते हैं एंड लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, देन टाइम पीरियड्स बिकम इनफाइनाइट. तो जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो जाएगा अगर बॉडी फ्रीली फील कर जाती है, लिफ्ट फ्रीली फॉल करती है. सो आपका टाइम पीरियड जो है वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा. और उसका रीजन ये है कि फीलिंग फॉलिंग बॉडी हैज एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, की जो फीलिंग फॉलिंग बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, जिस वजह से आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है दैट इज पेंडुलम वाला, यहाँ पर आप एक्चुअली में देखेंगे कि आपका जो एजर्शन और रीजन है दोनों ही ट्रू है. जो आपकी एजर्शन है वो भी ट्रू है कि टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, और आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से है ये भी आपका ट्रू है. और यहाँ पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके एजर्शन की. और इसका रीजन ये है कि फॉर पेंडुलम को आप लिफ्ट में सस्पेंड कर देते हैं और लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है एक सर्टन एक्सेलरेशन ए से, तो जो टाइम पीरियड है वो किस तरह से आता है, टाइम पीरियड इज गिवन बाय, इन केस ऑफ फ्री फॉल इट इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी. सो इस फॉर्मुले से आप टाइम पीरियड निकालते हो, तो एज जो आपका जी है दैट इज कि जब आपका जी जो है वो इंक्रीज करे तो टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बिकम्स इनफाइनाइट बिकॉज द टाइम पीरियड जो है वो इस रिलेशन से दिया जाता है. सो फ्री फॉल के वक्त पे टाइम पीरियड जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको दी गई, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सेम एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो सेम होता है एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड द रीजन इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैव सेम डायमेंशन फॉर्मुला, कि उन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मुलाज सेम है. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट यहाँ पे एजर्शन भी गलत है, क्योंकि आपका अगर जी और स्मॉल जी दोनों सेम होते तो उनके बीच का रिलेशन तो गलत ही प्रूफ हो जाता. जो हमने निकाला है कि दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल्स टू जी एम दैट इज कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ अर्थ अपॉन द रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वेयर होता है. सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है अगर दोनों ही सेम होते, तो ऐसा नहीं है. तो ऊपर जो एजर्शन है वो भी गलत है और आपका रीजन भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं होते हैं. बिकॉज स्टूडेंट जो रिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो टोटली डिफरेंट है आपके जी से, वो एक कांस्टेंट है और जी आपका एक्सेलरेशन है. जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डायमेंशंस, कोई डायमेंशंस नहीं है. बट अगर उसी जगह पे आप, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है तो उसके डायमेंशंस नहीं है, बट उसी जगह पे अगर आप पोजेस करें कि आपका जी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज डायमेंशंस, वो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है. सो ये दोनों में कोई भी मैच नहीं है, ये दोनों सेम नहीं होते हैं और इनके यूनिट्स भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द टर्म फ्री फॉल. सो अब आपको बताना है फ्री फॉल क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज फ्री फॉल. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ्री फॉल क्या होता है, तो इसकी हम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देंगे आपको कि आप इसे एक्जैक्टली लिख कैसे सकते हैं. बेसिकली पहले हम समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है. फ्री फॉल एक बॉडी का, जब भी आप किसी अर्थ पे कभी भी, मतलब अर्थ के सर्वे कोई भी कहीं से बॉडी को छोड़ देते हैं, वो अपने आप डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ आती है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. कि आपकी एक बॉडी गिर रही है एक सर्टन हाइट से टूवर्ड्स द अर्थ, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी और डायरेक्शन में नहीं जाती, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल. उस बॉडी को, जो बॉडी फॉल कर रही है उसे हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं. और जो एक्सेलरेशन है उस ऑब्जेक्ट की, उस फ्रीली फॉल की वजह से टूवर्ड्स द अर्थ, वो मास पर डिपेंड नहीं करती है. उस फ्री फॉल के वक्त पे चाहे वो हैवियर हो चाहे वो लाइटर हो, वो सेम रेट से ही एक्सेलरेट करती है. सो इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, दैट इज द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, मीन्स आपका जो एक बॉडी का गिरना है, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट, मीन्स एक सर्टन हाइट से अगर आप उसे, एक वो बॉडी गिर रही है टूवर्ड्स द अर्थ,
मीन्स अगर एक सर्टेन हाइट से आपकी बॉडी टूवर्ड्स द अर्थ गिर रही है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स की ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिरती है. सो हम उसे क्या बोलते हैं उसके गिरने को, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, कि वो अपने आप नीचे गिर रही है. और वो जो बॉडी होती है सच अ बॉडी, वो जो बॉडी गिर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी. उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. जो एसिलरेशन है, जो उसकी एसिलरेशन है उस ऑब्जेक्ट की, उस फीलिंग फॉलिंग बॉडी की, वो टुवर्ड्स द अर्थ, वो मास पे डिपेंड नहीं करता. तो स्टूडेंट एज वी नो कि आपकी एसिलरेशन उस ऑब्जेक्ट की, फीलिंग फॉलिंग बॉडी की टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन मास, एंड ड्यूरिंग फॉल हैवियर हो या लाइटर हो वो सेम रेट से एसिलरेट करती है. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई इट विल गो बिफोर द बिगेन्स टू फॉल्स. मीन्स की आपकी एक बॉल है स्टूडेंट्स, आपने उसे अपर डायरेक्शन में थ्रो किया है, उसे स्पीड से जो थ्रो किया दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, वो कितना ऊपर, मीन सर्टन हाइट, किस हाइट तक वो जाएगी जहां पर जाके वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी. तो एक सर्टन हाइट पर जाएगी, यहाँ पे आपको जी बोला आप 10 मीटर पर सेकेंड लेंगे. तो एज स्टूडेंट्स वी नो कि हमें वो हाइट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर जो आपका जी है क्योंकि वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जैक करता है और उसका मोशन उल्टा है. दैट मीन्स आप जी को यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर लेंगे. आपको यहाँ पर जो यू जिस वेलोसिटी से उसे भेजा गया दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और आपकी जो यहाँ पे स्पीड है वो 10 होगी, और जो की वी है वो 0 हो जाएगी, इनकी सर्टन हाइट पे जाके वो 0 हो जाएगा, और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा, आप इक्वेशन यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वहां पे आप पुट करेंगे वैल्यूज दैट इज +2gh. सो आपको बेसिकली h फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आएगा आपका, वी स्क्वेयर दैट इज 0 स्क्वेयर, यू स्क्वेयर क्या आएगा आपका 10 स्क्वेयर +2 मल्टीप्लाई बाय जी दैट इज -10, और h आपको फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट्स, इट इज 10 स्क्वेयर दैट इज 0 इक्वल्स टू 10 स्क्वेयर इज 100 प्लस दैट इज ये आपका -20 है. सो ये क्या आपका आएगा -20h. सो यहाँ से ये क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका, सो स्टूडेंट्स आज यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये क्या आ गया आपका, अब यहाँ से आपका 20h किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू 100. सो यहाँ से h क्या आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर. सो यहाँ से आपकी हाइट क्या आ गई, आपको हाइट फाइंड आउट करनी थी कितना हाई हो जाएगा. सो यहाँ से आपकी हाइट आ गई इक्वल्स टू 5 मीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेट ऑफ द मैन ऑन अर्थ इज 150 न्यूटन्स, कि आपकी अर्थ पे जो वेट का मैन का वेट है दैट इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन्स है. एंड ऑन अ सर्टन प्लैनेट, किसी और प्लैनेट पे आप जाते हैं उसका वेट क्या हो जाता है 25 न्यूटन्स. जी की वैल्यू आप ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है उसका मास क्या होगा अर्थ पे और प्लैनेट पे. एज वी नो कि मास कभी भी चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स, तो आप ये वाली वैल्यू ले, आपका ये जो है यहाँ पे भी वो सेम ही रहेगा. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका जो मास है आपको पता है वो वेरी नहीं करता. सो आप लिखोगे पहले गिवन थिंग लिखोगे कि आपका वेट मास जो है, वेट ऑन अर्थ आपका 150 न्यूटन है, मास जो है आपका मतलब क्या हो जाता है. यहां से अगर आपका देखिए वेट आपका ये है, वेट क्या होता है इक्वल्स टू एम जी. एम स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको क्या गिवन है 150 न्यूटन्स. सो यहाँ से एम क्या आ जाता है, एम इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है 150, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप 10 ले रहे हैं. सो ये आ जाएगा 10, दैट मीन्स मास क्या आ गया आपका 15 kg. एज वी नो मास डज नॉट वेरी एंड इट विल रिमेन सेम ऑन अर्थ और द अदर प्लैनेट. सो आपका दूसरे प्लैनेट पे वेट ये है और जो मास होगा वो आपका चेंज नहीं होता. सो मास क्या रहेगा आपका 15 kg. सो मास प्लैनेट पे भी वही रहेगा और वो इक्वल्स टू मास ऑन अर्थ है. सो ये रहा आपका आंसर. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. At what place on Earth's surface is the weight of a body is maximum? कि means Earth के कौन से surface, किस place पे जो आपका weight है body का वो maximum होगा, Earth के कौन से surface पे, Earth के surface पे आपको एक ऐसी place बतानी है जहां पे आपका weight है जो आपकी body का वो आपका मैक्सिमम होगा. सो स्टूडेंट्स एज वी नो कि आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है वो डिपेंड करता है इक्वल्स टू एम जी, वेट इज इक्वल्स टू एम जी होता है. सो जी जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे ही आपका, दैट मीन्स आपका जो वेट है वो आपका मैक्सिमम होगा. सो स्टूडेंट्स हमें पता है आपका वेट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, वेट आपका मैक्सिमम होता है एट द पोल्स. तो पोल्स पर आपका वेट जो है
वो मैक्सिमम होता है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द बॉडी वेट इज मिनिमम. सो स्टूडेंट्स, मिनिमम वेट कहाँ पे होता है? पोल्स पे अगर ज्यादा है, सो एज वी नो इक्वेटर पे आपका जो है वेट वो आपका मिनिमम होता है. सो एट द इक्वेटर द वेट इज मिनिमम. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉय ऑन अ क्लिफ 49 मीटर्स हाई ड्रॉप अ स्टोन, 1 second later he throws another stone vertically downwards. उसने क्या किया, क्लिफ पे था, क्लिफ की जो हाइट है that height is 49 meter. आपको एक क्लिफ दी है जिसकी हाइट है 49 meters. वहां से उसने पहले एक स्टोन ड्रॉप किया, 1 second बाद उसने 1 second के गैप में एक दूसरा स्टोन थ्रो किया है. The two stones hit the ground at the same time. दोनों ही stones ने ground को same time पे hit किया. So आपको बताना है what was the velocity with which the second stone was thrown? कि second stone को किस velocity से throw किया होगा कि वो same time पर नीचे आया है. So students, यहाँ पे हम इसे first देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे for हम पहले पहले stone के लिए निकालेंगे. यहाँ पे हमें velocity चाहिए, तो पहले हम first stone की बात करते हैं. तो कितना first हम time निकालेंगे? So first हम निकालेंगे for the फर्स्ट स्टोन. तो अगर हम पहले स्टोन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है किस हाइट से गिरा गया उसे, 49 मीटर्स. जो जी है आपका कितना एक्ट करेगा, 9.8, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. सो आप नेगेटिव नहीं लेंगे, आप पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहा है. सो इट विल बी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. आपको नहीं पता वो कितने टाइम में नीचे आया, वो आपको फाइंड आउट करना है. आपको इतना पता है वो u इक्वल टू जीरो से छोड़ा गया था, फिर उसने एक सर्टन वेलोसिटी अटेन की, फर्स्ट स्टोन को ड्रॉप किया गया था. अब बता रहे हैं सेकंड स्टोन को किस वेलोसिटी से थ्रो किया होगा, क्योंकि उसने सेकंड स्टोन को थ्रो किया है और फर्स्ट स्टोन ने ड्रॉप किया था. सो आपके यहाँ पे इक्वल टू जीरो होगा. सो आप क्या अप्लाई करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इक्वेशन याद है, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. वहां पे हमने s को h पुट किया एंड a को g पुट किया. सो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at gt स्क्वायर. सो ये इक्वेशन आपने निकाली थी आपकी थ्योरी क्लास में. सो यहाँ पे आपका h आ जाएगा 49, u आपका जीरो है, सो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ gt स्क्वायर, दैट इज 9.8 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2. सो ये आ गई आपकी क्वेश्चन. यहां से आपका टी क्या जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10. सो यहां से टी क्या आ गया आपका, रूट 10, दैट इज इक्वल टू 3.16 सेकंड. सो वो कितना टाइम लग रहा है उसे नीचे आने में, दैट इज t is equals to 3.1 seconds. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सेकेंड स्टोन की. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉर द सेकेंड स्टोन. जब हम सेकेंड स्टोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो अब सेकेंड स्टोन के लिए देखिए आपका जो टी है वो क्या होगा, जितना टाइम पहले स्टोन को लगा 3.1 सेकेंड्स, अगला स्टोन सेम टाइम पे नीचे है और उसे फेंका कितने गया था, 1 सेकेंड्स बाद. सो अगर पहले स्टोन को इतना लगा उसमें से माइनस 1 मतलब कर दो तो दूसरे स्टोन को लगा, तो ये क्या आ जाएगा 2.1 seconds, मतलब इतने सेकेंड उसे लगे होंगे नीचे आने में. हाइट क्या थी उसकी, 49 मीटर्स. जी की वैल्यू क्या रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे हमें यू फाइंड आउट करना है बेसिकली. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स आपका जो सेकेंड स्टोन है उसे कुछ वेलोसिटी से फेंका गया है, थ्रो किया गया है. सो यहाँ पे इक्वेशन पुट करिए, 49 इक्वल टू यू आपको फाइंड आउट करना है, टी क्या दिया गया है 2.16 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय जी विच इज 9.8 एंड मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर विच इज 216 स्क्वायर. सो यहाँ से ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज 49 इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई बाय यू प्लस 22.86 जो आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया है. सो यहाँ से आपका यू क्या आ जाएगा, 26.14 डिवाइड बाय 2.16. सो ये क्या आ गया आपका, यू इज इक्वल टू 12.10 मीटर पर सेकेंड. सो आपका यू क्या आ गया, 2.10 मीटर पर सेकेंड. दैट मींस कि आपका जो वेलोसिटी है सेकेंड स्टोन की उसको इस वेलोसिटी से थ्रो किया गया जिसकी वजह से वो सेम टाइम पर नीचे आए हैं. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर्स ऑन अर्थ, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द स्टोन्स टू मीट. सो बेसिकली स्टूडेंट्स आपका एक टावर है जो कि 50 मीटर हाइट का है, जहां से आपने एक स्टोन है उसे ड्रॉप किया है. वो स्टोन सेम टाइम पे आपने नीचे से एक स्टोन ऊपर की तरफ ड्रॉप फेंका है जिसको आपने वेलोसिटी दी है 25 मीटर
पर सेकेंड। सो आपको बताना है किस हाइट पर जाके वो दोनों स्टोन्स मीट करेंगे, मींस वो एक स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, तो एक पॉइंट पे वो दोनों सेम लेवल पे आएंगे। सो बेसिकली आपने वो हाइट निकालनी है जहां पे वो दोनों सेम लेवल पे आएंगे। ग्राउंड से वो क्या हाइट होगी, मीन्स नीचे से वो क्या हाइट होगी जिसपे वो दोनों मीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स एज वी नो यहाँ पे जो हाइट आपको दी हुई है टावर की वो क्या दी हुई है, आपको टोटल हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स दी हुई है। आप सपोज करो कि दोनों स्टोन्स ग्राउंड से एच हाइट पर मीट किए, तो लेट एच बी द हाइट, एच बी द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर हम जहां पे वो दोनों मीट कर रहे हैं। सो यहां से हम इक्वेशन यूज करेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बट यहाँ पे क्या लेंगे उसे h इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को यूज करेंगे आप यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u, v आपका जो है फाइनल वेलोसिटी होगा, s आपकी हाइट होगी एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आपको यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। सो फर्स्ट हम देखेंगे हमारा जो दैट इज फर्स्ट स्टोन के लिए, सो उसका जो डिस्टेंस क्या होगा फॉर द फर्स्ट जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो क्या होगा 50 माइनस h। अगर नीचे से हाइट आपकी h है कि एक h हाइट पे मीट करे तो दैट वॉज 50 माइनस एच, जो आपको ऊपर वाला स्टोन जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसकी u क्या है जीरो, क्योंकि उसे ऊपर से ड्रॉप किया है, सो उसकी u क्या हो जाएगी जीरो, जिसके वजह से ये फर्स्ट टर्म जो है वो जीरो बन जाएगी। प्लस हाफ जी टी, जी इज 9.8 एंड t मल्टीप्लाई बाय t स्क्वेयर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई 50 माइनस एच इक्वल्स टू 4.9 टी स्क्वायर। सो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सो यहां से अब सेकेंड स्टोन की बात करेंगे। फॉर ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट स्टोन की बात की थी, अब फॉर सेकेंड स्टोन, सेकेंड स्टोन के लिए आप सेम इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उससे आपको क्या मिलेगा एच इक्वल्स टू यू टी, दैट इज यहाँ पे आपने एस डिस्टेंस लिया तो उसके लिए आया, तो यहाँ पर दैट इज मान लीजिए आपका ये कैपिटल एच था, जो आपकी टोटल हाइट थी आपने उसे कैपिटल एच से डोनेट किया था, पहले आपका आपने हाइट निकालनी थी, बट यहाँ पे 50 माइनस एच लिप, यहाँ क्या आ जाएगी वो एच इक्वल्स टू यू टी। अब बात की आपने ऊपर की डायरेक्शन में थ्रू किया है स्टूडेंट्स, तो वो माइनस जी होगा, सो यहाँ हम क्या लेंगे माइनस जी टी स्क्वायर। सो यहाँ पे एच क्या रहेगा, वो एच ही रहेगा क्योंकि नीचे की हाइट है सेकेंड स्टोन के लिए, ये हाइट होगी बस। यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी है 25 That is t minus half gt square. So ये जो g है स्टूडेंट्स ये 9.8 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी h इक्वल्स टू 25 t माइनस 4.9 t स्क्वेयर। सो ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप पहले एड करेंगे, एडिंग वन एंड टू दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखिए जब आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे ये h माइनस h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 50 इक्वल्स टू 4.9, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 25 t। सो यहाँ से t क्या आ गया, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स आ गया। अब हम क्या करेंगे ये जो t की वैल्यू है इसको पुट करेंगे, सो हम t की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे दैट इज दिस इक्वेशन। तो यहां से आपका h क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू आपका 30.4 मीटर आ जाएगा। तो दैट मींस आपका जो स्मॉल h है कि आपका 30.4 मीटर मींस ग्राउंड से इस पर्टिकुलर 30.4 मीटर की हाइट पे, अगर आपका टोटल टावर 50 मीटर है तो इस हाइट पे यहाँ पे 30.4 मीटर की हाइट पे जाके ये दोनों स्टोन्स मीट करेंगे, वो भी 2 सेकंड बाद, मींस गिरने के थ्रो करने के 2 सेकंड बाद ये दोनों स्टोन्स मीट करेंगे। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है स्टूडेंट्स वो कई चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन करता है बेसिकली जो हम नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत से फैक्ट। जैसे कि फर्स्ट फैक्ट हम देखते हैं, फर्स्ट दिस लॉ एक्सप्लेन्स वेल द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ, ये सबसे ज्यादा एक चीज एक्सप्लेन करता है वो फोर्स जो अर्थ को बाइंड रखती है, दो फोर्सेस जो बाइंड रखती है अर्थ की चीजों को। जैसे तो कोई भी चीज नीचे गिर जाए क्योंकि अर्थ की राउंड शेप है, पर हम सारी चीजें एक राउंड होने के बाद भी अर्थ के हम सब उससे जुड़े हैं, सो वो फोर्स दैट
बाइंड्स अस ऑन अर्थ, जो हमें अर्थ से जोड़कर रखती है, हम अर्थ की तरफ खींचे रहते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते क्योंकि हमें पता है सोलर सिस्टम में वो जस्ट एक बॉल की तरह है अर्थ, हम इधर उधर नहीं जाते, हम अर्थ से बंधे हुए हैं। तो वो एक फोर्स है, उसको एक्सप्लेन करती है कि एक फोर्स जिसकी वजह से हम सब अर्थ से बंधे हुए हैं। नेक्स्ट चीज, ये लॉ जो है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड अर्थ, कि हमारे सन के अराउंड जो हम सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसका मोशन को एक्सप्लेन करता है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनके मोशन को एक्सप्लेन करता है। द थर्ड इज, ये लॉ जस्टिफाई करता है जो अर्थ पे टाइड्स फॉर्मेशन होती है ड्यू टू द मून एंड सन, सन की वजह से और मून की वजह से जो टाइड फॉर्मेशन है उसको जस्टिफाई करता है ये लॉ, कि वो क्यों वो टाइड्स फॉर्म होती है। सो दिस लॉ जस्टिफाइज द टाइड फॉर्मेशन, जस्टिफाइज द टाइड फॉर्मेशन ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड सन। द फोर्थ पॉइंट इज, दिस लॉ गिव्स रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ, कि हमारी अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व करता है उसका जो मूवमेंट है उसका रीजन एक्सप्लेन करते हैं। तो दिस लॉ गिव्स फॉर द रीजन दैट्स वाई मूवमेंट ऑफ मून अराउंड अर्थ, जो मून का मूवमेंट है अर्थ के अराउंड उसको भी एक्सप्लेन करता है। सो इतनी इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ, और भी बहुत से हैं पर ये कुछ उनमें से एग्जाम्पल्स हैं जिनपे की इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड इट्स वेट, वेट और मास के बीच में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है, अब हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, हम दोनों के बीच में सेपरेशन लेते हैं, फर्स्ट हम इस साइड पे लिखेंगे मास के डिफरेंसेस एंड इस साइड पे लिखेंगे कि वेट के क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो यहाँ पे हम वेट लिखेंगे या मास लिखेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट पॉइंट। इसमें कि वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज वेट के डायरेक्शन होते हैं, एम जी एक्ट करता है, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वजह से वेट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। सेकंड पॉइंट, जो वैल्यू है मास की वो कांस्टेंट रहती है, मींस मास कभी भी चेंज नहीं होता, शायद मून पे ले लें, किसी और प्लैनेट पे ले लें, बट जो वेट होता है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और वेट को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स आपका जो मास, अगर हमें फर्स्ट फोर्थ पॉइंट मास अगर हमें फाइंड करना है तो हमें वेट अपॉन जी करना पड़ता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, वेयर एज डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। फिफ्थ पॉइंट इज, मास को हम केजीज में लेते हैं एंड फिफ्थ इसका दैट इज मास को हम यहाँ पर वेट को हम न्यूटन्स में लेते हैं, न्यूटन्स की यूनिट्स आपको पता है दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिक्स पॉइंट इज कि हम इसको बैलेंस एक मेजर इंस्ट्रूमेंट लाइक बीम बैलेंस, इसका जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसे बैलेंस किया जाता है दैट इज बीम बैलेंस, इसे नॉर्मली बैलेंस नहीं किया जा सकता एंड इसको हम किसी भी स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर सकते हैं जिसके हम अपना वेट मेजर करते हैं, क्योंकि हम अर्थ में है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, ग्रेविटी एक्ट करती है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होती है। सो हमारा वेट जो है जो हमें यहाँ शो करता है, मून पे जाएंगे सो वेट जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है। सो ये बेसिकली हम यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस से किससे भी हम वेट मेजर करते हैं, बेसिकली अपना मास मेजर नहीं करते क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता और हमारा जो वेट है दैट इज हमारा जो हम वेट स्विंग बैलेंस में देखते हैं वो किसी और लाइन पे जाके जीरो भी हो जाएगा। सो ये जो है ये दो ज्यादा डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड द वेट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा खत्म होता है, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपको फर्दर और क्वेश्चंस हैं, जो आपको डाउट्स हैं कि आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको वो क्लियर करिए जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है या कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जो आपको गिवन फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होता है या आपको अभी भी डिफिकल्टी आती है, सो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। सो विद दिस वी केम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, सो आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक इट हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। सो मी मानसी साइनिंग ऑफ, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू सेशन, स्टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट ऑन आर वेबसाइट दैट इज diaeducates.com.